हेलो दोस्तों, स्वागत है इसके हमारे इस नई वीडियो में। गाइस आज बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। सो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जून ट्रांसफर विंडो ओपन होते ही यहां पर ऑफर दे दिया है मोहन बगान के सेंटर मिडफील्डर जॉनी काउको को। सो आपको पता ही होगा जॉनी काउको का जो कॉन्ट्रैक्ट है मई 2024 तक है, यानी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। अगर यहां पर मोहन बगान उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करती है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आराम से उनको साइन करके नॉर्थ ईस्ट ले जाएंगे। और आपको पता ही होगा सबसे बेहतरीन सेंटर मिडफील्डर अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास है, जिनका नाम है मोहम्मद अली बिमामर। सो उनके साथ में अगर इनका कॉम्बिनेशन बनेगा जॉनी काउको का, तो भाई साहब एक लाजवाब सेंटर मिडफील्ड कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की, जो कि हर मैच में डोमिनेंस करती हुई नजर आएगी। क्योंकि आपको पता ही होगा मोहम्मद अली बिमामर आगे जाके पुश करते हैं, फॉरवर्ड में जाते हैं, और जॉनी काउको के पास है पासिंग स्किल्स। सो यहां पर एक अलग ही कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा यहां पर, ताकि फॉरवर्ड में भी अच्छा गेम प्ले देखने के लिए मिले एंड डिफेंस भी अच्छा देखने के लिए मिले। सो गाइस यहां पर अगर बेस प्राइस की बात करें जॉनी काउको की, सिर्फ 2 करोड़ यहां पर उनकी बेस प्राइस है। अगर मोहन बगान यहां पर फिर से एक बार कहूंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करती है, तो भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इनको साइन करके नॉर्थ ईस्ट ले जाएंगे। एंड गाइस आपको आई होप ये रिपोर्ट पहले पता चल गई होगी, न्यूज़ पहले पता चल गई होगी। अगर नहीं पता चली हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की है। सो गाइस आई होप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इनको साइन करे, क्योंकि भाई इस साल मुझे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। सब कुछ जॉनी ब्राइम के हाथ में है, यहाँ पर सब कुछ उन्होंने पकड़ के रखा है कि हाँ भाई हमें ट्रॉफी चाहिए। तो इस बार मुझे लगता है जुआन पेड्रो बनाली कुछ ना कुछ यहाँ पर मैजिक करेंगे और अच्छे से अच्छे प्लेयर को साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की बात क्लियर है कि भाई हमको ट्रॉफी चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, थैंक क्यों बूट चला के फायर।